हाँ, पता रिजल्ट आ गया, दिमाग खराब हो रखा, टेंशन में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या कुछ नहीं करना, परेशान हो, स्ट्रेस है, पता है मुझे पता है। लंबी सांस लो, ठंड रखो, हाँ गर्मी है, ठंड रखो, पानी पी लो। उसके बाद मेरी बात सुनो, अगर आज तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं तो तुम क्या उखाड़ लेते हैं? अच्छा, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता, तुम्हारे घर वाले खुश हो जाते 2-4 दिन, उसके बाद क्या, तुम होते खुश? अगर आज तुम्हारे बुरे मार्क्स आ भी गए ना तो कुछ नहीं बिगड़ा, कसम से कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर वो तुम्हें जुनून, वो पागलपन, वो उतने फोकस जो उस चीज को हासिल करने के लिए ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वो शर्मा जी का लड़का हो या फिर शर्मा जी खुद, चाहे वो मार्कशीट में 50% ही क्यों ना हो या कोई घटिया सा कॉलेज, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। और अब मैं तुम्हें वो बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो झील वाला कौन था, मार्क जुकरबर्ग, वो अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, इनके एग्जाम्पल नहीं दूंगा औरों की तरह। क्यों? क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। उनमें और तुम में एक चीज कॉमन है, क्या? वो इंसान है, तुम इंसान हो, खत्म बात। तुम्हारी अलग पहचान है, तुम यूनिक हो। बस उस चीज के पीछे पड़े जाओ, वो चीज ढूंढो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छी लगती है। अब ये मत बोलना क्या है, मुझे मुझे एक्स से बात करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे बाबू शोना से कुछ ही कू करना, या टिकटॉक पे जाके हाय आई एम सन्नी लियोनी करना, नहीं, वो तो वैसे भी बैन हो गया। नहीं मतलब तुम्हारे फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ, वो चीज ढूंढो और लग जाओ उसके पीछे, और आने वाले साल तुम्हें तुम्हें खुद को याद नहीं होगा कि मेरी परसेंटेज कितनी आई थी, समझे? ऑल द बेस्ट, अपने आप पर विश्वास रखना।